यार इन नागपुर यार धोनी फैन, धोनी बिग फैन, धोनी भाई राम बाबू है हमारे साथ, राम बाबू जो भाई बहुत खुशी मिली इनसे मिलके हमको। यस और कल मैच है, आज वेस्ट टीम इंडिया, चीयर्स धोनी, धोनी जिंदाबाद। थारा जिंदाबाद बिल्कुल धोनी। बिल्कुल भाई, सब लोग तैयार हो जाए अपने नागपुर वाले, और हम लोग हैदराबाद भी आने वाले हैं और वहां पे भी धमाल होगा। तो भाई चकदे फट्टे चकदे कम ताला। इस हमारा आ चुका है खाना और हम खाने लगे हैं जश्न हो दाल एंड रोटी एंड चपाती। नहीं नहीं और ये हमारे दिनेश भाई यहाँ पर मौजूद बात करते हुए। हेलो। और अन्ना तो फिर है नंबर वन। हेलो। तो भाई हम खाने लगे हैं खाना भाई के साथ। चकदे फटे नहीं ब्रदर। नहीं, 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 सही। चलो कोई नहीं, आप कर रहे हो कोई टेंशन नहीं, भाई कर रहे हैं हम करेंगे अपने हाथों से। ये गरम गरम दाल तड़का ग्रेट, और पाजी हमारे साथ। बस बस थैंक यू। हाँ जी पाजी, करे टेस्ट फिर। नागपुर में क्या बोलता, एक मिनट वीडियो। या। मैं चंडीगढ़ में बोलता था शास्त्री, कल नागपुर में क्या बोलता, क्या चीज का? नमस्ते नमस्ते ही बोलते हैं मराठी में। हेलो हेलो बोलते हैं ऐसे मराठी में। हेलो नमस्ते नागपुर, हम आ चुके हैं नागपुर। हिंदी साइड में मराठी में। ओके नमस्ते नागपुर महाराष्ट्र नागपुर। इधर ज्यादा ही डाले। मैं बोलता था चंडीगढ़ में शास्त्री कल पहुंची, बट मेरा दोस्त को पूछा वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बट आई एम एंजॉयिंग फूड विद राम बाबू एंड दिनेश दिनेश बाबू भाई। प्लीज टेकिंग केयर ऑफ आवर हॉस्पिटैलिटी। या भाई बात करो। तो भाई ग्रेट। पाजी अपना नाम? जेम्स। जेम्स भाई है तेरे चकदे फट्टे, क्या बात है भाजी। सॉफ्ट, मेरे को तो सॉफ्ट चाहिए। तो भाई अब खाना खाने लगे हैं, थोड़ा सा हो जाए, कोई भूख भी लगी, रात के 11 बज रहे हैं, कल मैच भी है, थोड़ा सा खा लें यार, क्योंकि कल मैच के वाले दिन तो खाते नहीं है। तो जस्ट नागपुर में ये खाना थोड़ा सा सेलिब्रेट बाबू भाई की वजह से, स्पेशली बाबू भाई। आप लाइक कर सकते हैं, बाबू भाई के पास आएँ जरूर, चेक इन करें बाबू भाई के पास। ओके गाइस, चलो भाई खाते हैं खाना। गाइस हम पहुंच चुके हैं नागपुर और रेडी हो चुके हैं, बस अभी स्टेडियम के लिए निकलने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक टाइम बहुत कम था मोहाली से पहुंचने के लिए, इसलिए थोड़ा डेट कम हुआ। लेकिन अन्ना पाजी हमारे साथ हैं, साथ निभा रहे हैं अभी तक। हेलो अन्ना। नमस्कार। हेलो एवरीवन, राइट नाउ वी आर इन नागपुर, सो वी आर फ्रॉम आवर होटल टू स्टेडियम, इट्स ऑलमोस्ट 1 hour जर्नी, सो दैट इज द रीजन वी गॉट रेडी अर्ली एंड वी आर वेटिंग फॉर द कैब, एंड वेरी सून विल बी रीचिंग द स्टेडियम टू सपोर्ट अवर टीम इंडिया। विनिंग एंड लूजिंग इट्स पार्ट ऑफ गेम, एंटरटेनिंग क्राउड इज माई हेम, बॉन्ड टू एंकरेज स्पोर्ट्स, भारत माता की जय, जय हिंद। क्योंकि पाजी हम तो बस यही कह रहे हैं, क्योंकि यार हम जो कहते हैं, क्योंकि पाजी तो आए नहीं, लेकिन याइला सचिन का याद बहुत आ रही है, क्योंकि मुंबई तो चंडीगढ़ भी आए थे, बट यहाँ पे नागपुर नहीं आए, तो नो प्रॉब्लम, ज्वाइन करेंगे उनको और मिलते हैं, चेकआउट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। या होते हैं, और भाई हमारे साथ हैं, आए क्या हाल है ब्रदर, और ये
भैया भी हमारे साथ हैं। भैया आपका नाम? अजिंक्य। इंडिया इंडिया। तो भाई बहुत हैप्पीनेस है भाई। इंडिया इंडिया। पहले अपना नाम बताएं भाई। मेरा नाम संकेत है। संकेत भाई भी हमारे साथ है और ये देखो ये भी पूरा अपना पूरा ध्यान रख के बैठे हैं भाई। शुरू होने जा रहा है और देखो अभी ग्राउंड अभी पूरा मतलब क्या कहते हैं दो तीन घंटे हो गए सबको क्लीन कर देंगे। 15 दिन से यहाँ पे बारिश है भाई, कह रहे थे 15 दिन से बारिश हो रही है। 15 दिन से बारिश हो रही है तो ग्राउंड की बहुत हालत खराब थी, लेकिन ग्राउंड मैन को भी क्लैप करना पड़ेगा भाई। बहुत बहुत मेहनत करी उन्होंने, मैच कराया। देखो कितने नागपुर से क्या बहुत बहुत दूर से दोस्त आए हैं मैच के लिए, तो हर एक यही कहते हैं भाई 10 ओवर का करा दो मैच तो होना चाहिए यार, क्योंकि बहुत बहुत दूर से काफ़ी दिन बाद यहाँ कानपुर में नागपुर मैच हो रहा है। तो आई होप ये मैच अच्छा होगा और आई विश टीम इंडिया जीतेगा। यस मैच हम लोग जीत चुके हैं, तो फाइनली होटल में पहुंच गए हैं। तो गाइस बहुत मज़ा आया, बिग क्राउड, बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना यार अमेजिंग क्राउड, मतलब रोड ही जाम कर दी थी भाई। और हमारे साथ भाई दिनेश भाई हैं, छे भाई का भी फ़ोन बंद आ रहा था, लेकिन आखिरकार सब लोग मिल गए हैं। ऊपर से मतलब पूछो मत, इज़ द ग्रेट फीलिंग, फाइनली इंडिया जीत गया है। तो फाइनल हैदराबाद में, तो हम लोग जाने लगे भाई हैदराबाद, और फिर मिलते हैं हैदराबाद में। सी यू नागपुर, मिलेंगे भाई दिनेश भाई से। आई लव इट नागपुर, भारत माता की जय। जय हिंद। तो जरूर वो आपकी मर्जी है। ओके।